जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी का पूजन पाठ करने से, व्रत आदि करने से बजरंगबली की कृपा पाई जा सकती है। वहीं मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है। हर दिन का अपना महत्व होता है। शास्त्रों में हर दिन के हिसाब से कुछ कार्यों को करना बताया जाता है, किन कार्यों को करना शुभ होता है और किन कार्यों को करना अशुभ। जैसे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मंगलवार के दिन कुछ कार्यों को करने से व्यक्ति को आर्थिक संकट और मंगल दोष का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की कुंडली में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप मंगलवार को बिल्कुल ना करें, जो आपको आर्थिक रूप से बिल्कुल कंगाल बनाने की स्थिति में ले आए, या आपके सौभाग्य में कुछ परेशानी आ जाए, भाग्य आपका दुर्भाग्य में बदल जाए? ऐसे कार्य ना करना चाहिए। जैसे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति से ना तो उधार लें और ना ही उधार दें। ऐसा करने से व्यक्ति को कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही अन्य हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार मंगलवार के दिन बाल और नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाल बनवाना, दाढ़ी बनवाना और नाखून काटना अशुभ होता है। मंगलवार के दिन यह सभी कार्य करने से व्यक्ति को बुद्धि और धन दोनों की हानि का सामना करना पड़ सकता है। आप महिलाएं हैं, सौभाग्यवती हैं और चाहती हैं कि आप हमेशा सौभाग्यवती ही रहें, तो मंगलवार के दिन किसी भी स्त्री या कन्या को श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि मंगलवार को दिन के दिन आप इस वस्तुओं को खरीदने से बचें। इससे उनके वैवाहिक संबंधों में खटास आने लगती है, तनाव रहने लगता है और कन्या की बाद में शादी करने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, परेशानी आ सकती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन सात्विक रहना जरूरी होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही मंगलवार के दिन शराब और मांस आदि का सेवन करने से बिल्कुल निश्चित रूप से बचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में इतनी बाधाएं आ जाती हैं यदि मंगलवार को व्यक्ति नॉनवेज या शराब इनका सेवन करता है। साथ ही मंगलवार के दिन आप एक और कार्य करने से आप बचें, काले रंग के वस्त्र कोशिश करें, प्रयास करें ये काले रंग के वस्त्र ना पहने। यदि आप पर मंगल दोष का प्रभाव कुछ ज़्यादा है, परेशान हैं आप, तो आप लाल रंग के वस्त्र पहने, जिससे आपका मंगल दोष का जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होने लगता है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। कोई आपको विशेष उपाय नहीं करना है, लेकिन इन बातों को ध्यान देकर, विश्वास कर आप कोशिश करें कि ये कार्य जो नहीं करने के बताए गए हैं मंगलवार के दिन ना करें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।